session. Yeah, sure. Yeah, I'm audible. I'm audible. Yes, sir. Loss, audio line mismatch, shedding loss, and unavailability loss.
अनअवेलेबिलिटी और तो ऑल दो ये थोड़ा मेजर जो ज्यादा अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस के लिए ऑल दिस लॉसेस आर लाइक दिस. देयर आर सम अदर क्रिटिकल लॉसेस ऑल्सो विच वी विल नॉट टच अपॉन प्रेजेंटली. वी विल ट्राई टू गिव ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस मेजर लॉसेस. ओके तो आखिर में आप अगर वर्ड देख रहे हो सर कैप्चर, कैप्चर में क्या है अगर आपको प्रॉब्लम पता है देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट राइट. तो दैट्स व्हाई ये सेशन है कि जो भी प्रॉब्लम नेम दिए हैं वो प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं, आप उसको कैसे तरीके से टैकल कर सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया हुआ. तो फर्स्ट इज इंसिडेंट एंगल मॉडिफायर. अभी आपको पता है जैसे सनलाइट यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरता है तो इट गेट रिफ्लेक्टेड, जो भी उसके एनर्जी है उस फॉर्म में लॉस हो जाता है. अभी नाउ सोलर मॉड्यूल का जो अपर सरफेस है इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, तो जो एनर्जी सन से डायरेक्ट रेस आ रहे हैं वो कुछ फॉर्म कुछ परसेंटेज में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. ऑल्दो दैट इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास बट स्टिल इट हैज अ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, तो कुछ एनर्जी जो सन से आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है दैट वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज फॉर द जनरेशन. तो अभी आप एडजेसेंट इमेज में देख रहे होंगे कुछ पोर्शन है जो ग्लास को हिट होते ही रिफ्लेक्ट होकर निकल गया है, कुछ इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन है विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट होता है कि ग्लास के जो विड्थ है वो ग्लास के विड्थ में ही रिफ्लेक्शन होता है एंड देन बैलेंस पोर्शन रीचेस टू द सेल. अभी क्या होता है जनरली जो मॉडल मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है ऑल दिस डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स ऑफ इरेडिएशन एट अ थर्ड पार्टी लेबर. ओके और थर्ड पार्टी लेबर से चेक करके कितना रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्शन है वो ऑलरेडी पैन फाइल के इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. तो ऑल मैन्युफैक्चरर एक्चुअली होता है ओके बट उसमें होता क्या है कि सम कैटेगरी का जो मॉड्यूल होगा मे बी उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन आईएम के जो फैक्टर है उसमें नहीं देते हैं कभी पैन फाइल में, तो इंफीरियर मॉड्यूल होकर जनरेशन कभी कभी अच्छा दिख जाता है. तो टू स्टॉप दैट इफ द मैन्युफैक्चरर इज ट्रस्टवर्दी जो भी पैन फाइल में या मॉड्यूल के डाटा शीट में डाटा है उसके अकॉर्डिंगली आप ब्लाइंडली जा सकते हो. और अदरवाइज उसके लिए दूसरा ऑप्शन ये होता है कि पीवीसी जो एनर्जी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू करके आता है एचडीए मॉडल करके आता है, उसको आप सिलेक्ट करके 0.05% का आप फैक्टर इंक्लूड करके आप आगे बढ़ सकते हैं. सो दैट अभी एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन जो है ये एचडीए जो मॉडल है इसमें काफी सारा टेस्टिंग किया गया है एंड द फैक्टर इज बीन अराइव्ड बेसिस टू मेनी मेनी एक्सपेरिमेंट. ओके तो आपने यहाँ पे जो इनकमिंग एनर्जी है उसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको आपने थोड़ा बहुत कैटर कर लिया इस लॉस में, है ना. तो ये अगर ट्रस्टवर्दी मैन्युफैक्चरर है तो यू हैव टू गो विद मैन्युफैक्चरर डाटा, अगर नहीं है तो टायर बी टायर सी क्लास टाइप का मॉडल है या कोई लोकल मैन्युफैक्चरर है देन बेटर टू आपको सेफ साइड करने के लिए आप एनर्जी जनरेशन सिमुलेशन में उसको 0.5 फैक्टर ले सकते हैं. So next point I am going to other these are again I am coming back to the old slide. ये जो भी losses है incident angle modifier ये losses somewhere related to environmental condition है, क्योंकि आप जैसे देखोगे सन का मोमेंट चेंज होते रहता है फ्रॉम नाइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, जो एंगल से सन आपके मॉड्यूल के ऊपर सन रेज गिर रहे हैं वो कंटिन्यूसली चेंजिंग है. ओके तो वी कैन ट्रीट दिस एज अ एक्सटर्नल पैरामीटर. लाइक वाइज देयर इज अदर एक्सटर्नल पैरामीटर टॉयलिंग इफेक्ट. तो टॉयलिंग इफेक्ट बेसिकली बहुत सारे चीजों में हो सकता है जैसे कि डस्टी एनवायरनमेंट है आपके मॉड्यूल के ऊपर डस्ट आ गई, सोलर रेज आपके मॉड्यूल सेल तक नहीं पहुंच रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट जनरेशन ऑफ द सोलर मॉड्यूल कम हो रहा है, या आप सेकंड इमेज में देख सकते हो कुछ बर्ड क्रॉपिंग या जो भी डिस्टर्बेंसेस है बिकॉज ऑफ दैट सम सेल्स आर कवर्ड विद शैडो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं. अदर थिंग आप जैसे मॉड्यूल क्लीन करते हो राइट इफ इट इज नॉट वेल क्लीन प्रॉपरली तो मॉड्यूल के नीचे वाले फ्रेम पे ना ऐसा मड जमा हो जाता है जैसे
के नीचे आ जाता है एंड एकदम बड़ी सरफेस रेट तैयार हो जाता है मॉडल के बॉटम एजेस. तो दैट ऑल्सो विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. अदर देन दैट इफ यू कैन सी द इमेज, जैसे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, दैट ऑल्सो एक्चुअली बहुत इंडस्ट्रियल एरिया जोन में है आपका इंस्टॉलेशन, तो एनवायरमेंट बहुत पोल्यूटेड होगा. अदर देन दैट आप जहाँ पे प्लांट लगा रहे हो તમારા માટે કઈ ના છે બોલો. ઓર હિટ જનરેટ કોની કા ચાન્સ રહેતા હે. સ્ટ્રોંગ મોમેન્ટ મે થોડા કમ રહેતા હે.
પણ તમે કોઈ હારા માણસ ને પકડ્યો હોય તો એવું થાય ના ને. કોણ આવ્યું તું? કોણ આવ્યું તું? કોણ? એવું છે એમ. બરાબર. હવે અત્યારે પ્રોબ્લેમ શું થાય છે? બરાબર. અને કેટલી જૂની ઘંટી? ઘંટી એટલે પણ કેટલી જૂની? દસ એક વર્ષ થયા? દસ એક વર્ષ થયા ને? વાંધો નહીં, માણસ મોકલું છું. એ પણ ટાઈમ લાગશે, હા, તૈયારી નહીં આવે. એ ભાઈ છે ને, હા, તમે તો તૈયારીમાં માંગશો તો એ આવતો હશે, રૂટ પર તો થઈ જશે. આમ તો તમાર, આમ તો તમારા ગામનો છે એ, પણ એમાં વિશ્વાસ નહીં સમજો મને પોતાને. એટલે જે માસ્ટર છે ને એને મોકલું છું. અરે એ નહીં કેતો, હા, એ બધું, એટલે તો હું તમને મોકલતો નથી. બાકી એ તમને અત્યારે અત્યારે આવશે, બોલો. હું એ તો કઉ છું કે ડોક્ટર એટલે કેવું સ્પેશિયલ, એ પોતે છે ને ઓલરેડી 20 વર્ષથી કામ કરે છે, ફક્ત ઘંટીનું એકલું જ. બરાબર. બરાબર બરાબર બરાબર. વાંધો નહીં, હું તમને કરાવડાવું છું, થઈ જશે કમ્પ્લીટ. હું એને પૂછીને કહું કે ક્યારે આવશે, અને કોન્ટેક્ટ નંબર તમને મોકલી દઈશ તમારો, અને એનો કોન્ટેક્ટ નંબર તમને શેર કરી દઈશ. હા ને, અરે રિપેર થયા પછી તમે પૈસા આપજો, બોલો. પછી એવું નહીં કેતો, આ તો તમને એવું નહીં, આમાં આપણે આપણે જે કારીગર જો કામ કરાવીએ છે ને, એ શ્યોર એમ કે ભાઈ તમારું કામ 101% ઓકે થશે, અને ઓકે થાય ને પછી જ તમારે પૈસા આપવાના, ત્યાં સુધી તમારે એક રૂપિયો આપવાનો નહીં. બોલો પછી. તમે પેલા મૂડાવો ને પછી આપણી જોડે આવો, એવું છે? પેલાથી નહીં કહેવાતું? એવું છે એમ ને. વાંધો નહીં, હું કરાવડાવું તમારું, એને મોકલી આપીશ, એને પૂછીને કહું કે ક્યારે આવે છે, એનો રૂટ હોય ને આ બાજુ, એટલે જોડે જોડે તમારું પતી જાય એમ. ના, પેલા ને છે ને કમ્પ્લીટ કમ્પ્લીટ કામ છે એનું, એટલે તમને કમ્પ્લીટ કરી આપશે. તોય બદલી પછી. આ છે ને બધું તમાર બધું લઈને જ આવશે, તમારે કશું પ્રોબ્લેમ નહીં હોય, થોડામાં પતાવી દઈશું, વાંધો નહીં. અને એમાં મેઇન શું છે કે કયા સેક્શનમાં પ્રોબ્લેમ છે ને એ ચેક કરવું પડે. એ આશરે આશરે બદલે ને, બદલે ને તો આશરે આશરે ના ચાલે, સેન્સર ઉપર કામ કરે. તમે બિચારાને કામ નહીં કરવા દેતા હોય હરકુ, એટલે. હા હા, સાચી વાત આવે, તું કંટાળી કરતો રહ્યો છે.
अच्छी बात क्या नहीं को અને મંગાઈને પછી એનો એ પ્રોબ્લેમ રહ્યો તો શું કરવાનું એમ ના કહો બરાબર બરાબર અંદર ની રીંગ બરાબર છે પેલા તમારા અંદર નાખો છો ને બકેટ એની એ દાણા પડે ને એનું એનું કારણ એ કે એ દાણા છે ને હા એમાંથી પડતા હશે એટલે ઓગળી ગયા છે ઓવે 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 તો વાંધો નહીં કરાવડાવી દઈશું ને અને હવે વધારે ટાઈમ થયો હોય તો વધારે ટાઈમ થયો હોય તો આપી નવી લઈ લો ને હવે માજરી નહી હવે મકાઈ ધરાશે રોટલા બહુ ખાવ છો શું એવું છે એટલે બહુ રોટલા ના ખાવ એવું છે અને તમારે શું જોઈએ ચાલે એમ ને બરાબર બરાબર સરસ સરસ સારું સારું વાંધો નહીં હું હા એ તો છે ને એ તમે જોજો કારીગર આવે તો એ મહાજન સિંગલ બોડી નો છે પણ તમે ઘંટી એકવાર એમ કહેશો ને કે ભાઈ આ ભાઈ જોડે એટલે ફરી તમે એને જ રિંગ મારશો કામ એનું એવું છે એક્યુરેટ વાંધો ને હું એને રિંગ કરીને થોડી વાર રહીને તમને નંબર એનો આપીશ ચોક્કસ 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 પણ મેં તમને કીધું મારા પાસે મિલસેન્ટ છે નવદીપ નથી નવદીપ ને નટરાજ નથી મિલસેન્ટ છે મારી પાસે એ તમને કરાવી દઉં કેતા હોય તો વોકી છે વોકી જોઈએ તો વોકી બોલશે ઘંટી કે ભાઈ દડવાનું નાખો હવે અનાજ નાખો એવું બધું બોલશે ઇંગ્લિશમાં હા મિલસેન્ટ વોકી તમને સંભળાય કે ભાઈ પતી ગયું છે હમણાં એક વાર રિપેર કરાવી દો ને પછી એવું હશે તો એક બે વર્ષ આપણે ઇંગ્લિશ કરી દઈશું નાની નાની હા તો વાંધો નહીં બધું જોઈએ છે તમારે ઘંટી નો ધંધો જ કરી દેવો છે શું ના ના ચોક્કસ ચોક્કસ ચાલુ કરી દેવું છે ઘંટી નું કામકાજ દળવાનું દળવાનું ચાલુ કરી દઈશું આખા ગામ નું વાંધો નહીં હું કરાવડાવું હા ને હા ચોક્કસ ચોક્કસ હા ફોન આવ્યો તો વાત કરી ડિટેલ આપી બધી હા ને ના મેં પેલા મોકલ્યા હતા હા મેં કીધું નતું તમને એ એમનો ફોન આવે છે એટલે વાંધો નહીં કરાવડાવી દઈશું શું એ બનાવવાનું કેતા હતા ને આગળ છે ને પેલા પોલ નાખવાના એમાં મેં કીધું એમને કે અંદર નામ જ કરાવી દેજો ત્યારે કરાવો હા વાંધો નહીં મેં એમને કીધું મેં તો લાઈટ લઈ લો પોલ તો તમારો જે જૂની પાઇપ છે ને એમાંથી કરાવી દઈશું હા ને એટલે બહુ બહુ બાઉન્ડ્રી માંથી લોકો આવી જાય છે એવું છે વાંધો નહી ચાલો હું આ કરાવડાવું હા ને હા ચાલો મેન્યુફેક્ચરર ઇઝ ગિવિંગ યોર પ્રોડક્ટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધ ડાટા વોટ
they have mentioned or declared in the data sheet, right? So 445 watt peak ka module aap dekh rahe ho, wo module ke data sheet pe 445 likha hua hai, right? Lekin actual aate aate agar standard test condition hone ke bawajood bhi wo module aapko de raha hai 440 watt. So this is not acceptable from the product side. So jo bhi tier 1 manufacturer hote hain, they will always ensure that unka module quality best ho aur quality losses na ke barabar. Okay, so this model quality losses talks about that. अभी जैसे आपको पहले पता है कि बहुत पहले एक दिन का
जो स्टीम है जो कि बहुत ज्यादा
पीपीटी में कंबाइन करते हैं, तो दैट क्या है, आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होगा, बेटर बेटरमेंट की तरफ आप बेसिकली सॉल्यूशन फॉर स्टेप ले लोगे, राइट। तो इसको एड्रेस करने के लिए ऑन कंजर्वेटिव साइड आप इसको 0.5% पैरामीटर एंटर कर सकते हो इन द पीपीटी। नाउ द अदर पैरामीटर द शेडिंग लॉस। अभी ये शेडिंग लॉस है, अभी सॉइलिंग लॉस में वो हमने जैसे डिस्क्राइब किया था कि लाइट को ऑब्स्ट्रक्शन था बिकॉज ऑफ मड, बिकॉज ऑफ सॉइलिंग, आपका लाइट जो है सोलर लाइट वो मॉड्यूल तक नहीं पहुंच पा रहा था। अभी कुछ आप फोटोग्राम देखेंगे तो कुछ ऐसे टिपिकल इंडस्ट्री के सिनेरियो है, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा चिमनी है, उसका शेडो आ गया मॉडल के ऊपर, विच आर द सेल डो जनरेट वेरी लेस, और वो मॉडल का परफॉर्मेंस डिग्रेड करेगी। मॉडल का परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा तो अल्टीमेटली आपका स्ट्रिंग परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा, स्ट्रिंग परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा तो अल्टीमेटली आपका इन्वर्टर में इनपुट कम आके आपका पावर रिड्यूस होगा एंड फाइनली द एसी पावर विल बी लिटिल बिट रिड्यूस, ओके। तो आपको इसको अच्छी तरह से देखना है कि शेडो इफेक्ट मिनिमाइज हो। जैसे आप सेकंड इमेज पे देख रहे हो टर्बो वेंट होते हैं, वो टर्बो वेंट का भी बहुत शेडो क्रिएट होता है, तो यू हैव टू वेरी केयरफुली एड्रेस दिस इशू, शेडो के लिए अवॉइड करके पैनल लगाना है। बॉटम इमेज में आप देख रहे हो जैसे कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आर्क के रूप है, उसमें मोंटीज होती है, स्टेयर केस होते हैं, उसका भी शेडो वाटर टैंक होते हैं, उसका भी शेडो मॉडल पे गिरता है। तो ऑल द स्टफ ड्यूरिंग योर लेआउटिंग यू हैव टू चेक इन। अभी एक लास्ट फोटो जो दिख रहा है वो मॉडल का ही, मॉडल के ऊपर शेडो आ, राइट। तो बहुत सारा टाइम क्या होता है कि कस्टमर का एनर्जी रिक्वायरमेंट, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, तो गुड इंजीनियर हैज टू ऑलवेज कीप व्हाटएवर द रिक्वायर्ड स्पेसिंग टू बी केप्ट इन द मॉडल। आप सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मॉडल को, मॉडल का जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड करोगे, दैट इज नॉट गुड फॉर सिस्टम डिजाइनर। ऑल्दो कभी कभी इकोनॉमिकली वो करेक्ट होता है, बट एज यू आर अ डिजाइनर यू शुड अवॉइड दैट। तो ये सारे पैरामीटर्स है आपको शेडिंग लॉसेस से कैसे करेंगे, जैसे कुछ पैरामीटर जैसे ट्रीज, टॉल बिल्डिंग, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, ऑल दो स्टफ। तो कुछ स्टेप्स हम जो ले सकते हैं बेसिकली यही है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली इंडिकेट करें, उसका शेडो एरिया छोड़ दें, ऑलराइट, और इंटरलो को ऐसा रखे कि एक पर्टिकुलर टाइम में बिल्कुल शेडो नहीं आएगा अक्रॉस द एरिया। फिर भी अगर अभी जैसे हमने 9 बजे से शेडो अवॉइड किया है, 9 बजे के बाद शेडो नहीं आना चाहिए, लेकिन कंसिडर द सिचुएशन ऑफ 8 AM, 8 बजे लाइट तो रहता है, 8 बजे सोलर मॉड्यूल से कुछ ना कुछ जनरेशन तो होगा, बट एट दैट टाइम क्या होगा कि शेडो आपका कुछ ना कुछ पार्ट रहेगा, ओके। सो वो पार्ट हम अवॉइड नहीं कर सकते, ऑलराइट। तो उसके लिए शेडिंग लॉसेस 0.7 to 1% आप कंसिडर करके चलोगे, तो दिस विल बी अ वेरी कंजर्वेटिव एंड सेफ अप्रोच, ऑलराइट। तो यही है, अभी जितने लॉसेस हमने एक्चुअली डिस्कस किए, अभी आप देखोगे कि आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है ऑन द टॉप जो मैंने आपको पैनल दिखाया था ना, जो भी आपको एनर्जी अवेलेबल है सन से, उसके बाद आपको फाइनली बॉटम में आप देखोगे कितनी इंजिंग थोड़ी है, ये मैटर करता है, राइट। तो जैसे कि आपने अभी और जैसे मॉड्यूल इंक्लाइन करके रखा है तो एक्चुअली इनकमिंग एनर्जी इंक्रीज है, उसके बाद IIM के वजह से रिड्यूस होगी, कॉइलिंग के वजह से रिड्यूस होगी। सो ऑल दो स्टफ जो भी पैरामीटर हमने डिस्कस किए थे वो सारे इधर माइनस माइनस साइन में आपको दिखते जाएंगे, जैसे पीवी लॉस जो टेम्परेचर है इधर माइनस, तो आपका जो भी पोटेंशियल है उसमें एनवायरमेंटल एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से रिड्यूस हुआ है पावर जनरेशन, मॉडल क्वालिटी लॉसेस है, एलआईडी लॉसेस है, मॉडल डिफेक्टर के लॉसेस होंगे, एफिशिएंसी लॉस, ऑल दोस लॉसेस आप अगर माइनस 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 करते जाओगे देन देयर विल बी द फाइनल एनर्जी विच यू कैन एस्टिमेट, विच यू कैन एक्चुअली सेव योर मनी ऑन दैट एनर्जी, राइट। तो टू बेसिकली कंक्लूड दिस सेशन, द लॉसेस आर इनेविटेबल, मीन लॉसेस फ्रॉम कंप्लीटली व्हाट यू कैन इग्नोर नहीं, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू एड्रेस दोस इन द करेक्ट वे सो दैट आपका परफॉर्मेंस बेटर रहे, राइट। तो बिलो आर
more